देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को हम दिखा रहे हैं आज कुछ नया जो कि मेरे घर में हो रहा है। और मेरी आज ये दो बहनें हैं, एक ये बड़ी बहन है, ये बुआ की लड़की है, और ये मेरी छोटी बहन है, जो कि इन लोगों ने आज क्या तैयार किया अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखिएगा फिंगर की चटनी, फिंगर की चटनी इन्होंने बनाई है, काफ़ी बेहतरीन चटनी लग रही है ये, और सही भी बनी, अच्छी ऐसे बनाई जाती। थोड़ा सा इन्होंने कलर पीला कलर डाल दिया है, वैसे ऑरेंज कलर डाला जाता है। ये फिंगर देखो तैयार किए, अभी तले नहीं गए हैं, ये फिंगर अभी तैयार करके रखे हैं। किचन है जो कि खाना बन चुका है, ये थाली में रोटी रखी है, इसमें दाल रखी है और चावल ख़त्म हो चुके हैं। और ये मेरी इतनी बड़ी किचन है, और तलना शुरू हो गया है। देखिए धूप में कैसे कढ़ाई में ये लोग फिंगर तल रहे हैं, देखिएगा ये ऑरेंज ऑरेंज होते हैं फिंगर, पर ये लोग पीले पीले फिंगर बना के रखे हैं, देखिएगा। और ये मेरी छोटी बहन बना रही धूप में, भैया बहुत ही मेहनत करती, बहुत काम करती, ज़्यादा हम तो नहीं कर पाते इतना। ये मेरी अम्मा है जो कि मेरी बड़े बहन की सासू माँ है, और ये हमारी अम्मा है, खाना खा रही जो कि दोपहर में अभी खाना नहीं खाया था, अब खाना खा रही। अम्मा क्या खा रही? दाल चावल, हाँ मूंग की दाल है और चावल है, चांदी के चावल है। इतनी देर में खाना खा रहे हैं क्योंकि खरबूजे वरबूजे खाते रहते सब लोग ना, तो भूख जब लगती है तब खाना खाया जाता है। तो फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं खेत पे और उड़द इकट्ठा कराने, उड़द मारे जाएंगे आज ट्रैक्टर से, फिर उसमें उड़द की दाल होगी। और देखो ये अम्मा हमारी चल रही आगे आगे, धूप पे से कुछ दिख नहीं रहा, आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए अम्मा और सूभी जो कि आगे आगे चल रही तसला लेकर उड़ाने के लिए मूंग की दाल, और हम भी अब अम्मा की थोड़ी सी मदद करने जा रहे हैं। और ये बीज गांव में पहुंच चुके हैं, अभी खेत तो बहुत दूर है। ये बहुत पुराना नल है जो कि अभी भी चलता है, और कैसे कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है सब यहीं गांव के अंदर डाल देते हैं, और शहर में हो तो सब कबाड़ी बिल ले, कितना बड़े कूड़ा प्लास्टिक पड़ी हुई है। इसी में ऐसा था, ये सब घर बने हुए थे, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता था, हम लोग यहीं खेलने आते थे, गाँव के बीच में बना है। और आज देखो यहाँ बिल्कुल उजड़ा चमन लगने लगा, अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, बिल्कुल जैसे कोई बंजारा की खेती हो ऐसा लगने लगा है। बताओ गर्मी इतनी गांव में है तो कुत्ते लोग नाली के अंदर बैठे हैं, गर्मी लग रही है, देखो नाली के अंदर बैठे बेचारे क्या करें, गर्मी से बचने के लिए लोग नाली के तालाब में घुसे रहते हैं। ये बैठे हैं टकलू राज जो कल बुला रहे थे, दीदी 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 करो हाय, बाय बाय कर दे, बाय बाय करो भैया, बाय बाय कर दे दीदी, चल भैया बाय बाय, अरे वाह कर दिया कर दिया। तो हवा बहुत अच्छी चल रही है जो अच्छा लग रहा है हम भी यहाँ पे आकर के। और ये देखिए पेड़ कितना घना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये चरी है जो भैंस और गायों को खिलाई जाती है, चरी होती है, मक्का पेड़ नहीं होता है, चरी होती है, इसको चरी बोलते हैं। यहाँ पर हम बैठे आते आते थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हम आके बैठ गए हैं, और हवा भी ठंडी चल रही है तो आके हम बैठ चुके हैं, ये आराम कर। पीछे लोग, पीछे वाले लोग आ गए हैं, देखो ये लोग आ चुके हैं और हम आ रहे हैं। खेत बहुत दूर है इसीलिए मैं थक गई हूँ और यहाँ बैठ कर आराम कर रहे हैं। अब मैं जाऊँगी खेत, तो आपको अब खेत पे दिखाते चल के चलते हैं। और ये देखिए मैं अब खेत पे जा रही हूँ, अभी थोड़ी दूर और खेत है जो कि मैं चल रही हूँ, मेड़ है, मेड़ पे हम चल नहीं पाते हैं, बहुत पतली पतली मेड़ हैं जो कि बचा बचा चल रहे, क्या पता गिर जाएं। ये खरबूजे का पेड़, ये ऐसे होते हैं खरबूजे, ऐसे खेतों में खरबूजे लगते हैं, ये देखिए वह लगा हुआ है, ऐसे पेड़ होते खरबूजे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रहे हैं, वैसे तो हम तो जानते हैं, आप लोग जानते हुए पता हमको। ओह देखिए जो कितने खरबूजे इतने सड़े निकल रहे हैं, जो कि देखो फाड़ फाड़ के बीजा सब डाल देंगे, उनके बीजा निकाल के तो धुल के फैला दिया गया है, खरबूज बेचा जाएगा। ये थोड़ी नीम खड़ी है और यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, देखिएगा हम लोग यहीं रहते थे, यहाँ भी बहुत हम लोगों ने खेत रखाए हैं खरबूजे वरबूजे बैठ करके,
और ये बेल टूब लगा जिससे पानी खेत खरबूजा सींच जाते हैं। ये देखिएगा, और ये कितना बड़ा गहरा गड्ढा, देखो कितना गहरा गड्ढा है, बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा, लगता कहीं गिर न जाए। फाइनली हम खेत पे आ चुके हैं, ये हमारे उड़द हैं, ढेर लगा है ये खेत पे, ऐसे कूड़ कूड़ काट के रखा जाता है। अब यही हम लोग को ढोके इकट्ठा एक ढेर लगाना है और इसी मरना अगर ट्रैक्टर से तब तब जाके उड़द की दाल तैयार होती है। मतलब उड़द की दाल क्या है, उड़द की दाल तो ऐसे नहीं तैयार होती, वो मारेंगे तब घर ले जाएगा, उड़ाया जाएगा तब जाके दाल होगी। इतना बड़ा ढेर लग गया है पूरे खेत की, अभी चारों तरफ की ढेर लगाना है जो कि हम लोग को लगाना है, अभी लगाएंगे वहाँ से खेत पे काम करने के लिए। हम लोगों ने यहाँ बहुत मस्ती की, हाथ पैर धुले, नहाने का मन बहुत है पर हम लोग कपड़े नहीं लाए थे तो इसीलिए हम लोगों ने नहाया नहीं। और ये देखिए पानी चल रहा है और वो खरबूजा सींच जा रहे हैं, और हम लोगों ने यहीं पर काम किया खेत में, और काम करके फिर हम लोगों ने ये बेल टूब चल रहा था तो हम लोगों ने यहीं पर हाथ पैर धुले। देखो पानी कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा पानी लगता, नहा लिया जाए। और देखो ये मेरी सारी बहनें हैं,